हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल रिंकी फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी देखिए सुबह के 7 बजे हैं और बाहर का नज़ारा आप लोग देख लीजिए। तो अभी मैं अपनी खिड़की पे बैठ के चाय पी रही थी तो मैंने बाहर देखा तो मुझे लगा आप लोग को भी दिखा देना चाहिए। आज कुहासा बिल्कुल भी नहीं है, दिन एकदम साफ है। तो देखिए मैंने चाय पी ली है और अब मैं अपने घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। तो आज मुझे गेहूं भी धोना है तो पहले मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूं, क्योंकि घर में तो कोई है नहीं। विकास अभी तो एग्ज़ाम देने ही गया हुआ है तो आज नाश्ता बनाने का कोई झंझट नहीं है। और ये भी बहुत सवेरे ही निकल गए थे तो भी सिर्फ मैं ही हूं, तो मैंने सोचा कि आज बचा हुआ जो काम है, कल भी मैंने गेहूँ नहीं धोया था क्योंकि कल धूप अच्छी नहीं हुई थी, तो आज धूप देख के ही मैंने गेहूँ डाला है धोने के लिए। तो यहाँ देखिए झाड़ू पोछा करने के बाद मैं छत पर आ गई हूँ गेहूँ धोने के लिए। तो आप देख सकते हैं अभी धूप कितनी अच्छी हुई है, एकदम खिली खिली धूप है। तो लगता है कि आज मेरे गेहूं है जो एक ही दिन में सूख जाएंगे, बहुत अच्छी ही धूप थी। तो देखिए मैंने सारे गेहूं को धो दिया है और अब मैं छत को भी धो लेती हूं थोड़ा सा, क्योंकि छत पे ही मैं गेहूं फैलाऊंगी। तो चलिए पहले छत को धो लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे बातें करूँगी। तो यहाँ पे मैंने छत को भी धो दिया है और गेहूं को उठा के इसकी टोकरी में बाल्टी पे रख देती हूँ, क्योंकि अभी छत नहीं सूखा है और जब सूख जाएगा अच्छे से तभी मैं इसे फैलाऊँगी। और ये देखिए ऊपर से मैंने देखा कि बच्चे इतना क्यों कोलाहल कर रहे हैं, तो पता चला कि एक बंदर कहीं से आ गया था। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करती हूँ, वहाँ एक कुत्ता है, वहीं बगल में बंदर, देखिए वो अंदर चला गया। तो इसलिए बच्चे इसके पीछे दौड़ लगा रहे थे, और जब भी कहीं से अचानक कोई बंदर आ जाता है तो बच्चे इसी तरह उसके पीछे पीछे दौड़े जाते हैं और बेचारे बंदर को भगा के ही दम लेते हैं। तो देखिए यहाँ का नज़ारा आज बहुत ही अच्छा लग रहा था धूप में। तो देखिए खिली खिली धूप में हमारे आस पड़ोस का ये जो व्यू है बहुत ही सुंदर लग रहा था। और अब मैं चलती हूँ नीचे, मुझे नहाना भी है क्योंकि आज मुझे मार्केट जाना है मुस्कान की मम्मी के साथ। तो ये देखिए हम लोग मार्केट पहुंच चुके हैं और मेरे साथ मुस्कान और उसकी मम्मी हैं। तो इनको किसी की छट्टी में देने के लिए छोटे बच्चों का ड्रेस चाहिए था तो इसीलिए ये लोग आए हैं, तो साथ में मुझे भी बोले चलने के लिए। हालांकि मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी थी बट ये बोले साथ में आने के लिए तो मैं आ गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे बच्चों की ड्रेस थी, बहुत ही सुंदर सुंदर, और इन्हीं में से एक इन्होंने सेलेक्ट किया है। तो कपड़े लेने के बाद हम लोग चूड़ी की दुकान में आ गए थे। तो बच्चे के कपड़े के साथ हाथ पैर का धागा होता है पहनने वाला काला धागा, तो ये भी लेना था इनको, और साथ में एक झुनझुना भी लेना था, इसलिए हम लोग इस दुकान में आ गए हैं। और यहाँ पे आने के बाद मुझे एक चूड़ी पसंद आ गई थी तो मैंने भी अपने लिए कुछ चूड़ियाँ ले ली है। बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ थी इनके पास, देख कर ही लग रहा था कि कौन सा लूँ, तो मैंने 2 कलर की चूड़ियाँ यहाँ पर ले ली हैं। और साथ ही यहाँ का आप लोग मार्केट भी देख लीजिए, ये फतुहा बाजार का मार्केट है, तो आप लोग घूम लीजिए मार्केट भी। और ये देखिए रास्ते में जलेबियाँ बिक रही थी गुड़ की, तो हम लोगों ने जलेबी खरीदी है। और अब मैं घर आ गई हूँ तो जलेबी के साथ मैंने समोसे भी लिए थे, क्योंकि मैंने सुबह भी नाश्ता नहीं किया है कुछ, तो मैंने सोचा कि पहले मैं खा लेती हूँ। और एक तरफ चूल्हे पे देखिए उधर मैंने कढ़ी और चावल बनने के लिए चढ़ा रखा है, तो वही मैं देख रही थी। तो पहले मैं खाना खा लेती हूँ, सॉरी नाश्ता कर लेती हूँ, जलेबी और समोसे। आप लोगों में से जिनको जिनको भी पसंद है आ जाइए खाने के लिए। तो पहले मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मैं दोपहर का खाना बनाऊँगी। तो ये देखिए हमारा कढ़ी चावल जो है बनके तैयार हो गया, और कढ़ी में मैंने आज हरी मटर डाली है और ये बहुत ही टेस्टी बना था। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि कढ़ी सादी नहीं बनाई जाती, चाहे तो उसमें आप कुछ भी डालिए, और बिना डाले कुछ नहीं बनाया जाता। तो आज मैंने मटर ही डाल दिया, आज मैंने पकौड़ियाँ नहीं बनाई इसलिए, और साथ में बैंगन की सब्जी भी है और सूरन का अचार है। तो चलिए पहले मैं इनको खाना दे देती हूँ, ये आ चुके हैं मार्केट से।
अब साथ में ये देखिए, मैंने इनसे पंचफोरन मंगाया था मार्केट से ही, तो सारे पंचफोरन मैंने अलग अलग मंगाए हैं, क्योंकि साथ में मंगाने से ये ज़्यादा करके सरसों ही डाल के दे देते हैं, इसलिए मैंने इसे अलग अलग मंगाया है। और ये देखिए, ये है जवाइन और ये राई है, और इसको सौंफ बोलते हैं, और ये मंगरेला है कलौंजी, और ये देखिए मेथी। तो ये पांच चीज़ें से ही पंचफोरन बनता है, और अगर इसमें से कोई एक चीज़ कम रहती है तो मैं इसमें जीरा मिला देती हूँ, तो ये पंचफोरन बन जाता है। तो देखिए मैं इन सबको मिला लेती हूँ, और आप लोग देखते होंगे मुझे हर सब्ज़ी में मैं ज़्यादातर पंचफोरन का ही यूज करती हूँ। तो देखिए सारी चीज़ों को मैंने मिला लिया है, और अब मैं इसे एक डिब्बे में भर कर रख दूँगी। और यहाँ पे बच्चे आज गुल्ली डंडा खेल रहे हैं मेरे दरवाजे के पास ही, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा खाली रहता है, आधे में तो फूल गोभी बुना हुआ है और आधा ज़मीन जो है उन्होंने खाली छोड़ रखा है, तो रोज़ बच्चे इसी में खेलते हैं। और ये देखिए बच्चों की मस्ती, और अभी तो दो तीन ही बच्चे खेल रहे हैं ना, देखिए फिर से आ गए सारे बच्चे। तो कुछ बच्चे खेल रहे थे तो देख के ये सारे लोग जमा हो गए हैं, और मैं अपने दरवाजे पर बैठ के इनको देख रही थी। तो गुल्ली डंडा देखना तो पुराना खेल हो गया है, हालांकि ये देखने को मिलता नहीं है, लेकिन आज ये बच्चे खेल रहे थे तो मैं इनको यही देख रही थी। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए मैं मटर लेके ऊपर ही आ गई हूँ, और मैं मटर छील रही हूँ क्योंकि आज शाम को मुझे मटर पनीर बनानी है। तो ये देखिए मैं सब कुछ लेके ऊपर ही आ गई, और अब मैं मटर छील लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन चुकी है मटर पनीर, और इसके साथ रोटी और चटनी भी है, तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और सॉरी गाइज, मैंने कुछ खाने का रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरे यहाँ कोई गेस्ट आ गए थे, तो मैं उनके सामने रिकॉर्ड करना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो चलिए अब मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी इसलिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल।